सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय आवर चैनल छत्तीसगढ़ की बहू संगीता में आपका स्वागत है। तो फाइनली जो अभी YT पे चल रहा है ना, वो बहुत ही बुरा चल रहा है, जिसकी सफाई में नीतू मेहना ने लाइव आ करके सारी सफाई दी है। सो आप लाइव सुन सकते हैं, तो आप जा करके सुन सकते हैं, मैं इस वीडियो को दिखा रही हूँ। तो फाइनली देखिए नीतू दीदी ने क्या कहा है। कौन सा होगा? यस, कोई भी नहीं आया अभी तक, पता नहीं होगा ना किसी को। आइए सब लोग आइए। आए बहुत लोग आए, आने दो सबको पहले पूरी तरीके से। आज पूरा सच आप लोगों को पता चलेगा, पूरा सच। अब ना तो मैं रोऊंगी ना तो मैं डरूंगी, और सीधी मैं आपको गारंटी देता हूँ, आज के बाद अगर तिवारी फैमिली कुछ बोल दे तो आज आपको शुरू से आखिरी तक का पूरा सच पता चलेगा। तिवारी फैमिली के एक एक इंसान की हकीकत जो मैं जानता हूं। सचिन 2 साल से जुड़ा हुआ था, हम लोग 5 साल से जुड़े, हमने उन लोगों के लिए ऐसा करा है कि इतना गंदा गेम खेल रहा है मेरे साथ। ऊपर वाला माफ करे, ये चीज बोलना नहीं पड़ेगी। इतना गंदा ट्रैपिंग, इतना गंदा, वो अलका के साथ मिलके। ये एक इंसान की माँ भी क्या करेगी, इसने वो करा है, इसने अपना बच्चे जैसा चीनू को रखा है, नेहा को रखा है, ताशी तो खैर मेरी भांजी है, ताशी से दिल से, ताशी के लिए वो बच्ची की इसमें ताशी मेरी भांजी है आज भी, उस बच्ची का मुंह देख के हुआ जो भी हुआ, ठीक है ना। और ये अलका, तू क्या मेरे चिथड़े बिखेरेगी? बिखेर तो दिए तिवारी फैमिली के जुड़ के उनसे तूने। अलका तुझे क्या पता, अलका जी आपको क्या पता है? अरे भाई जीवी के लायक नहीं है। नहीं ना ना, वो उसके संस्कार नहीं, अपने संस्कार है ना। अलका जी आपको क्या पता है, आप कितने समय से जानते हो नीतू को या मुझे या नेहा को या सचिन को? रिकॉर्डिंग लगा, कितने समय से जानते हो? पूरी रिकॉर्डिंग लगा है। व्यू के लिए शर्म आना चाहिए यार आपको, व्यू के लिए। कितने कमाए आपने पैसे? वो पैसा है ना आपको कभी राज नहीं आएगा। और आप क्या बोल रहे थे, ये कौन है? और सुनो तो, रिकॉर्डिंग में पूरी बात बताना। आगे की रिकॉर्डिंग नहीं लगाई दीदी? उधर से हो तो हिम्मत नहीं है ना। आगे की रिकॉर्डिंग नहीं लगाई जब तूने मुझसे फोन लगा के पूछा क्यों? अरे यार नीतू दीदी, आपने इन लोगों को समझाया नहीं। और उस रिकॉर्डिंग में कोई बोल दे कि मैंने प्रोत्साहित किया हो, तू प्रोत्साहित कर रही थी उनको अलग रहने के लिए, उनकी शादी होने के लिए। मैंने सच्चाई अगर खोली ना, बस रोली नहीं तू, बहुत रोली। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं। आप लोग बोल, 2 मिनट, आप लोग बोल रहे हो ना इतनी बदनामी, कुछ नहीं हुआ, 0.1% भी नहीं। अगर मैंने मुंह अपना खोल दिया ना, या नीतू ने अपना मुंह खोल दिया, बहुत दबा है इसके अंदर बस। और तू वही कर रही है, तू वही उकसा रही है उनको, सबके धज्जियां उड़वा दी तूने। और सचिन को भड़काने वाली तू, नेहा ने मुझे बताया, नेहा ने मुझे बताया कि जो तू भड़का रही है, तू दोनों तरफ रोटियां सेक रही है बेटा, दोनों तरफ। उधर से कितने पैसे मिल रहे हैं, इधर से कितने, ये भी पब्लिक को बताना। शेम ऑन यू यार, क्या मिलता है? अपने बीवी देखो, अपने अपने बच्चों को देखो, अपने पति को देखो, अपने माँ बाप को देखो। कोई कुछ नहीं बोल रहा ना, चुप है। तुम्हारी तरह रिकॉर्डिंग खेलना नहीं आती। मैं तो उन मन बुद्धियों में से, मैंने खुद के खिलाफ की रिकॉर्डिंग नहीं रखी। और आज बताती हूँ उस रिकॉर्डिंग में क्या बोला था मैंने। उस रिकॉर्डिंग में मैंने दी थी गाली नेहा तिवारी को, नेहा तिवारी को बहुत गंदा बोला था, और सचिन के बारे में मैंने गंदा बोला था। तो भाई खेल यहाँ से शुरू होता है, खेल इस जगह से शुरू होता है। पहले मेरे को दीदी दीदी बोल के सुनो तो, वो रिकॉर्डिंग की तो बात मान दो पूरी। अब इन्होंने क्यों गाली दी थी नेहा तिवारी और सचिन को, क्या होता है? आप भी कॉलेज टाइम पे, जो भी मेरे मतलब इनके सब्सक्राइबर हैं, जो भी देख रही है पब्लिक, कॉलेज टाइम पे या जैसे भी आप बात करते होते हो ना, तो क्या होता है कि जैसे ये मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, अब मैं किसी दूसरे फ्रेंड से बात कर, अरे यार उसकी तो ये आदत खराब है, अरे यार वो तो मुझे, अपन एक नॉर्मली बात बोल रहे हैं, क्योंकि एक अपन दूसरे इंसान पर ट्रस्ट करते हैं कि नहीं आ रही है वो, तो ये हल्की सी बात हुई थी, उन्होंने इस टॉपिक में उनको ब्लैकमेल करा। हाँ बिट्टू भैया, बहुत ज्यादा ब्लैक। अरे ये अलका,
इसने मेरे लिए इनने मेरे को मेरे, अब मैं तुमको फोन पे बताऊंगी, रुको रहे अभी ये है ना रिकॉर्डिंग डाल रही है मेरे बारे में, पूरी तरीके से मुझे फंसाया है। वो खुद ने इन लोगों ने मुझसे, अभी रुको मैं लाइव में हूँ तुमको मैं बाद में बताती हूँ पूरी बात है ना, मैं पूरी बताऊंगी। अब कुछ नहीं छुपेगा, अब कुछ भी नहीं छुपेगा, बहुत कर लिया मुझे फंसाया। अरे मुझे तो सचिन ने पहले ही बता दिया था, क्योंकि जब मैं उसको समझा रही थी ना कि यार मत कर उनके बिचारों की, भी सच्चाई बताऊंगा अंबल में क्या हुआ था, गुड़गांव में क्या हुआ था, वृंदावन में क्या, मैं एक एक चीज आपके सामने लेके आऊंगा। और मैंने बहन माना था उस लेडी को, बहन बहन से भी ज्यादा, क्योंकि मेरी इतना बड़ा बेवकूफ औरत, उनके भी क्लियर बोलू अभी भी तू नेहा की चाट रही है ऐसा बोला था मुझे खुले शब्दों में, और तेरे लिए तो इतना गजब का प्लान बना है कि तू खुद दंग रह जाएगी। वाह भाई, और सच बताओ ना वो ब्लैकमेलिंग भी शायद यही करवा रही थी सचिन तिवारी फैमिली के, सचिन खास करके तू ब्लॉक कर, तू ब्लैकमेल कर, मैं पुचकारा दूंगी। तिवारी फैमिली खास करके चीनू मैं नहीं चाहता, यू अंडरस्टैंड, समझ गए हो क्या, मैं नहीं चाहता कुछ चीज सामने। हम लोग किसी की इज्जत आज तक कोई बोल दे, और हाँ मैंने मेरे ब्लॉग में इज्जत उछालना हमारे संस्कार नहीं है। अरे यार बाबू कैसे बोल रही हूँ मैं, उधर हो जा बेटा, गिरा देना रिंग लाइट, निशा इसको पकड़, पकड़ इसको, उधर बिठा, फोन दे दे तो जरा, फोन दे तो इसको, कहाँ है, इधर पड़ा होगा, नहीं है यहाँ, ले जाओ परेशान मत करने, इधर आजा मेरे पास, उठा ले बेटा ले जा, झुक के जा। हाँ ये जो हंस रहे हो ना ये कारण मेरी जिंदगी पे, सही में ये हंसी का ही कारण है, मैं खुद अपनी हंसी का कारण खुद बनी हूँ। भरोसा बहुत बड़ा, बहुत वाह भाई वाह, सही में नेहा तिवारी कुछ नहीं थी, नेहा तिवारी, मैं आज नेहा तिवारी को देखता हूँ ना, या तिवारी फैमिली को देखता हूँ मैं, मेरे सामने ब्लॉगिंग वगैरह मैं नहीं समझता, ब्लॉगिंग वगैरह क्या होता है, एक इन्फ्लुएंसर क्या होता है, मैं मेरी वाइफ को बोलता हूँ मेरे को नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, अभी भी चुप है, चुप हूँ मैं बस, अभी भी समझ लो। और ये जो अलका कर रही है ना, अलका पैर भागोगे, मैंने किसका साथ दिया, अगर हमने मुंह खोल दिया ना उल्टे पैर भागोगे, आपको कुछ नहीं पता, आपको 0.1% पता है, जो आप 0.1% में आप कर रहे हो ना कि मैं धज्जी उड़ा दूंगी, ये दो दिन में तुम इतनी बौखला गई, आ गए ना तीन दिन में तुम इतनी बौखला गई, तो आपको आपका मैं क्या बोलूं अब मैं। और उस रात की जब तुमने लाइव में मुझे ये औरत वो औरत बोला था, उस रात को भी मैंने तुम्हें फोन लगाया था, तो वो रिकॉर्डिंग भी सुनाओ लोगों को, नहीं सुना पाएंगी ना। और भाई अगर वो बोल दे तुम तो पूछ लो कि मैंने तो उसमें भी यही बोला कि मैंने बोला भाई फटाफट शादी करो, ये अपने घर जाए, वो अपनी जिंदगी में जिए, यहाँ तक की बात हुई तो मेरे को क्या बोला गया, मैंने बोला भाई अपनी अपनी जिंदगी देखो भाई, तू अपनी बीवी के साथ रह भाई, तू शादी कर, तू अपना अपनी बीवी के साथ अपना बच्चा पैदा कर, तू कौन होती है बोलने वाली, हम तेरे कहने से बच्चा पैदा करेंगे, हम हमारा करेंगे, इतना लंबा गेम खेल गए मेरे साथ, और मुझे लिया कैसे रिकॉर्ड के अंदर, मैं बताती हूँ ये रिकॉर्डिंग की सच्चाई, मैं बताती हूँ क्या ये है। अभी की बात हो रही है और बाकी हिस्ट्री पूरी मैं बताऊंगा, ये अभी पहले मेरे को रिकॉर्डिंग की तो बात बता दो, अलका अलका जी की रिकॉर्डिंग की बात तो सुनिए, मैं आपको क्या बताती हूँ भाई, सुनो रिकॉर्डिंग पहले, वो रिकॉर्डिंग जिसके ऊपर ये सारा खेल चल रहा है वो मैं बताती हूँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि बोलो प्लान, अब नहीं भाई अब नहीं डर रही, डरने का नतीजा देख लिया कि क्या हो सकता है, सुनो तो भाई रिकॉर्डिंग मेरे को एक लड़की 50,000-40,000 लोग हैं तो हाँ सुनो, वो तो इसको लाइव को वो भी करूँगी ना मैं शेयर करूँगी, ठीक है, तो भैया बात ये होती है एक लड़की मेरी लाइफ में आती है अमोली का नाम की, ठीक है, वो लड़की मुझसे मिलती है ना, इन्होंने उनको देखा ना, जानते ना पहचानते, एक अलोन पर्सन सिर्फ फैन फॉलोइंग की वजह से कि नीतू मेहना मैं आपको जानती हूँ, सच बताऊंगी बात होती है नीतू से, निधि दी आपसे हो ये वो, अब इसको फाइनेंशियली ब्लैकमेल कैसे किया जाता है, नहीं उसने ब्लैकमेल नहीं, नहीं 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 वो ब्लैकमेल नहीं सॉरी, मतलब कैसे आपको वो हिप्नोटाइज किया जाता है।
हमारा बच्चा, मतलब मैं ऑफिस में रहता था, बच्चा रो रहा है, मम्मी ये चाहिए, तो वहां से हमने कहा दीदी क्या हो गया, अरे वो ये मांग रहा है, अरे दीदी मैं अभी आपको ट्रांसफर कर रही हूँ पैसे, एक बार दो बार तीन बार दोस्ती, फिर धीरे धीरे वो बताने लगी वो सब कुछ, फिर वो क्या एक भरोसे में इंसान रहता, अरे दीदी आप क्यों जुड़ी यहाँ से और ऐसा वैसा, तो ये भी भरोसा, अरे यार मैं क्या करूं, उसने तो ऐसा करा, उसने ऐसा करा, अब एक नॉर्मल इंसान यार देखो क्या होता है कि आज मैं दिन भर ऑफिस में, मेरे कितने भी कलीग हो, घर आऊंगा मेरी वाइफ से, मेरे दोस्तों से, अरे यार मेरे ऑफिस में वो है, भले वो कितना भी बेस्ट फ्रेंड हो मेरा, एक शेयरिंग होती है ना, वो करता है इंसान के मन हल्का हो जाए, तो इसने शेयरिंग करी, लेकिन इसको नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी उसने पूरी रिकॉर्डिंग करी, और रिकॉर्डिंग करके अब वो किसका मोहरा था, क्या नहीं था, क्या था क्या नहीं था, वो मैं बता रही हूं ना पूरी बात, सुनना, इनो नहीं एनिवर्सरी थी चीनू और शुभा की एनिवर्सरी थी, तो भैया वहां मैं बुलाया गया, शायद आप लोगों ने वो रील भी देखी है, नीतू दीदी इतनी उदास क्यों थी, भैया बुलाया गया, ये बहुत घबरा गई, निक्की मुझे ऐसा लग रहा है उसके पर वो आ गए, वो मुझे प्रेम महफिल में, इनके नहीं अपन गलत नहीं है, अपन चलते हैं, मैं हूँ ना आपके साथ खड़ा हूँ, अब भैया ऊपर रूम में सचिन नेहा चीनू सब लोग शोभा वोभा सब लोग बैठे हुए, तो मैं गया, मैं क्या ऐसा वैसा, तो वो सचिन भैया ने बोला कि भैया इसने ऐसा करा है, ये नीतू ये बैठी है ना, मैंने कहा भाई वो जो कुछ भी हो, पहली बात तो वो दीदी है तेरी बड़ी है, आप तू करके नहीं बोलोगे इससे, और नेहा का ऐसा रिएक्शन था ना, हाँ ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं, नीतू दीदी मैंने माफ कर दिया, ये भी पूरा प्लान था मुझे माफ करने वाला, अब ऐसा लग रहा है कुछ बात नहीं करी, और अभी तीन दिन पहले की बताऊ ना, नेहा का फोन आया, भैया एक गलती थी जो हमने आपकी माफ करी, अब ये गलती जो चीनू ने इनका नाम लिया ना वो आप माफ कर दो, इनके ऐसे कैसे माफ कर दूंगा, मैंने आपसे नहीं बोला था माफी के लिए, आप बोल रहा हो चीनू ने दो शब्द बोले, भाई ने मेरे फोन लगाया चीनू को, तो चीनू बोल रहा है अरे सॉरी मैन टू मैन बात कर रहा हूँ, दीदी का नाम नहीं आएगा, लेकिन आप एक बार नाम लिया, रिएक्शन चैनल वालों ने 100,000 बार नाम लिया, और धज्जी उड़ा दी इसकी, आप जानते हो ऐसे कौन है ये, आप पहचानते हो ऐसे कौन है ये नीतू मैना, इसका असली नाम है पिंकी मैना, आप जानते हो 14 साल मेरी शादी हो गए, 10 साल अफेयर मेरी, अरे वो रिकॉर्डिंग भी उसने ट्रैप करी है भाई, मैं बताती हूँ ना क्या हुआ, ये अलका ने पूरा दिमाग से खेला है, मैं बताती हूँ क्या बात हुई है, ठीक है, अलका सचिन भाई और नेहा तिवारी इन तीनों की बात हुई है, ठीक है, उसके बाद में नेहा तिवारी ने मुझे कॉल किया, बर्थडे वाले दिन, हाँ हाँ उसी दिन बर्थडे सेलिब्रेट हुआ भैया, यहाँ पूरी जनता पागल हो रही है, सब कुछ हो रही है, आप क्या सोच रहे हैं जगत भाई, कौन सा जगत भाई, मेरी बात सुनो, अब ये जो अलका जी आप कर रही हो ना, आप अपने आप को बचाने के लिए नीतू के सिर पर ठिकरा फोड़ रही हो, क्योंकि आप चीनू को भी आपने यही भड़काया है, आप जो बेचारा बेचारा जैसे बोल रहा हूँ ना, बेचारा शरम बेचारा क्यों बिचारा, अच्छा बिचारा, आप एक बात बताओ, नीतू मेहना नीतू मेहना के कहने पे सचिन उनके घर में तोहफे देता था महंगे महंगे, नीतू मेहना के कहने पे प्रमोशंस मिलते थे, नीतू मेहना के, अच्छा नीतू मेहना के कहने पे सब कुछ होता है, रुकता था सचिन 4-4 दिन 5-5 दिन, तो हाँ नीतू मेहना से पूछते होंगे कि इसको रोक ले, आपने गोल्ड गिफ्ट लिए सिल्वर गिफ्ट लिए, तो शायद हो सकता नीतू मेहना ने बोला हो कि ले लो, हाँ नीतू मेहना, अरे ट्रैपिंग तो ये हुई है मेरे साथ भाई, नेहा का फोन आता है, हेलो दीदी एक वीडियो आपने देखी होगी, जीजा जी घर आए, अरे जीजू जीजू आ गए, भैया आ गए, भैया आ गए, जीजू आ गए, भाई साहब की गाड़ी आ रही है, जीजू आ गए, भैया आ गए, क्यों, जब नीतू तो नहीं थी वहां, नीतू हर फंक्शन में समय पे पहुंची और समय से निकल गई, बना लिया आपने, भैया बना लिया, कभी मनीषा को बहन बना लिया, कभी दीदी बना लिया, है मुझे मुझे कभी निक्की भैया, कभी जीजू, क्या है ये, अरे पूरी ट्रैपिंग तो बता दो, उसने अलका ने क्या खेली है भाई, अलका का फुल प्रूफ प्लान था, क्योंकि जब तक सबको फंसाना था सब फंस गए, अब आखिरी में ठीकरा किसके सिर पे जाना चाहिए, अब बची तो नीतू मैना बची, नहीं नहीं सब सुन रहा है, सब देख रहे हैं, सब चले हुए, क्योंकि जिस तरीके से उड़ाया है ना वे, ये भी सब देखेंगे, बस हुआ भाई, बस अब बस है ना, तो नेहा जी का फोन आता है, अरे और ये बात क्या है पता है, रिकॉर्डिंग की बात से पहले की चीज़ है कि मैं आपको बता दूँ कि ये रिकॉर्डिंग में जो एक डर था ना कि अरे यार, तो वो सीरियसली बात ये है कि अगर नेहा तिवारी के घर से एक चीज़ भी लीक होती है
चाहे भले वो फोटो हुआ, घर की कोई बात हुई, तो तुरंत फोन आता है नीतू मेहना के पास। क्यों, ये चीज वहां तक कैसे पहुंची? क्यों, इसको वो किसने बताया? नेहा तिवारी की रिकॉर्डिंग वायरल होती है, बहुत हो गया है ना, अब बस हो गया भाई, डर हो गया तो मेरे को फोन, अब डर नहीं है मुझे, नहीं पता मेरे को, अभी पता चला कि अभी यहाँ आने से पहले मेरे हस्बैंड में हमारे बीच में क्या हुआ, क्योंकि मैं इतनी डरी थी मैंने मेरे पति तक को नहीं बताया। वो मुझसे यही बोल रहे कि अब मत छुपा, बस खत्म हुआ डर, जो डर होना था ना सब एंड, अब डरना नहीं है, क्योंकि कोई जिनके लिए मैं लड़ रही थी, मैं जिनको प्रोटेक्ट कर रही थी, एक एक इंसान के सामने आके वो बोलते, सचिन भाई बोलते मुझे कि मैंने एक बार भी उसको उकसाया हो कि इनकी इज्जत उतार पब्लिक में आके, या मैंने इनसे बोला, मैंने हमेशा यही चाहा। नेहा की मम्मी से भी मेरी बात हुई तो मैंने बोला फटाफट शादी कर दो नेहा की, उसको उसके घर भेज दो, सब ठीक हो जाएगा, सबको सब पता। और मैंने मेरे व्लॉग में ये नहीं बोला कि मुझे नेहा के रिश्ते के बारे में नहीं पता था, चीनू सच बोला, देखो नीतू का पता था, पता सबको था, चीनू की सच्चाई भी मैं सामने लाऊंगा, पता सबको था। जब है ना? क्यों, जब चीनू भाई आपकी शादी नहीं हुई थी ना, जब अकेले थे भोपाल में, आपको कोई जानता भी नहीं था, आप लोग कहाँ से आए हो पता है, ये भी किसी को नहीं पता, वो क्या कैसे आए हो ये भी किसी को नहीं पता। आप जब यहाँ आए थे ना, तो जब अकेला तुम्हारा निक्की भैया खड़ा था साथ में, अकेला अकेला, खुला बोल रहा हूँ, ना आपका कोई दोस्त था, ना आपका कोई यार था, ना कोई सपोर्टिंग नहीं था, अकेला निक्की भैया खड़ा था और नीतू दीदी खड़ी थी। नीतू दीदी के पास कुछ हो चाहे नहीं हो भागे दौड़ी जाती, नीतू दीदी के पास कुछ हो चाहे नहीं हो, आपको याद है वो दिन? मेरे को तो शर्म आ रही है वो शब्द बोलने में। हमारे घर से 12 किलोमीटर दूर है, 12 से 13 किलोमीटर हम साला घर से लड़के जाते थे, और आज हमारे साथ ही खेल खेल दिया। पैसे नहीं रहते थे ना, तो पैसे किसी से उधार लेके जाते थे। नहीं, वो दिन भूल गए? आपकी शादी हुई शुभा से, आपका साला, आपका सब पूरा ससुराल पक्ष, आपके मामा मामा सब बाद में आए, और एक बहुत बढ़िया ब्लॉगर है भाई अर्पिता। पहले कहां थे? मैं तुमको शायद मैंने गलती की, मैंने तुमको धमकाया था, उस चीज के लिए मैं माफी मांगती हूँ। तुमने बहुत अच्छी बात बोली, नीतू मेहना का यूज सिर्फ एक काम वाली की तरह किया गया था जिम्मेदारियां देने के लिए। कहां थे उस समय, कहां थे जब आप लोग यहां आए थे ना, जब कहां थे? ये जो आज बोल रहे हो ना मेरी फैमिली, और ये आप जिसके ऊपर इतना वो कर रहे हो, ये अलका, अलका को तो मैं कुछ नहीं मानता, अलका तो 2-3 दिन पहले आई है। आप जितने भी बोल रहे हो ना, कहाँ थे ये सब? आप भोपाल आए थे जब कौन था आपके साथ, ये बतला हुआ मैं मान जाऊंगा। जब आप भोपाल में, आपने आपकी फैमिली भी नहीं आई थी, फैमिली तो वहीं थी, आप आए थे चीनू भाई स्टरिंग इनक्लेव में रहते थे आप, नेहा दीदी रहती थी गायत्री कॉम्प्लेक्स, नहीं जानकी अपार्टमेंट में, सॉरी। जब कहाँ थे आप? भूल गए चीनू भाई? ये वही दीदी है, दीदी मेरी बेडशीटें और मेरे कपड़े इकट्ठे करके ला, दीदी धोखे दे देना, ये दीदी धोखे देती थी घर से। दीदी ने तुम्हारे गंदे कपड़े धोए और तुमने दीदी के कपड़े उतार दिए, सब कुछ करा आपने, क्या करा? ठीक है, ये दीदी वो दीदी, आपने एक दीदी को कपड़े पहना दिए बहुत अच्छे से, और एक दीदी के वो अलका के कहने पे हुआ भाई, ये पूरा जो ट्रैपिंग डली है ना अलका, रात के 2:30 बजे जो मैंने नीतू मेहना ने रोते हुए फोन किया था वो भी डाल, और उसके बाद जो तूने लगा के नीतू दीदी से पूछा था ना, कोई बोलते रिकॉर्डिंग में कि नीतू दीदी ने बोला कि शादी कर लो, नीतू दीदी ने ये करा वो कर लो ये करा, चीनू भाई अभी नहीं 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीने बाद आपको पता है इसकी याद आई। अलका कितनी आग लगाएगी भाई, किसके घरों में आग लगाएगी? दिल से रिश्ता निभाया इसने आप लोगों से, ऑनलाइन नहीं, यूट्यूबर नहीं, इन्फ्लुएंसर नहीं, रिश्ता निभाया। आप खुद बताओ आपके पापा मम्मी से किस तरीके से बात करती थी, आपकी वाइफ से, आपके साली से, आपकी सास से, कोई एक बोल दे कि मैं मतलब से जुड़ी हुई थी, आपने कोई एक इंसान बोल दे, कोई एक इंसान बोल दे। और सबसे बड़ी बात, जो नीतू मेहना को इतना बड़ा वजनदार बनाया कि नीतू मेहना को पता था उसने हमारे घर का, तो नीतू मेहना का ब्लॉग क्यों नहीं गया सगाई के उसमें, आपने क्यों लाइफ नहीं होने दिया? एक चीज और बोल दूं, नीतू मेहना तो पावरफुल थी ना, पावरफुल औरत थी ना। चीनू से बात करना, चीनू भाई एक चीज और बोल दूं आपको, पता है मेरे पास क्या चीज है इनडायरेक्टली? अगर मेरी बात सुनो आप, तो मैंने एक्सपोज कर दी ना, मेरी बात सुनो, देखो आप
अलका जी रिकॉर्डिंग पूरी लगाओ, बात की भी रिकॉर्डिंग लगाओ, बात की भी रिकॉर्डिंग लगाओ, फिल्म लगाना, बात की रिकॉर्डिंग। अब नीतू रोएगी नहीं, अब नहीं रोएगी, बिल्कुल भी नहीं रोएगी। ये अलका तेरे सिर पर ठिकरा फूटा तो आ जाओ, नीतू को भी ले आओ, ये तूने ट्रैप किया है ना मुझे भी पूरी तरीके से। उस दिन वाली गलती नीतू नहीं करेगी कि उसका नाम लाइव में आ गया, दो दिन तक इंतजार करेगी। आप टेंशन मत लो, मैं लाइव में आके सब ठीक कर दूंगी, आप टेंशन मत लो। आज नीतू वो गलती करने वाली नहीं है, और कोई मिशु को कोई गलत नहीं बोलेगा जाके। मिशु को अगर गलत बोल दिया ना किसी ने, माँ भगवती की कसम, गलत नहीं है मिशु। मिशु वो इंसान है जिसने मुझे इस दलदल से निकाला, वरना यहाँ आज अगर मिशु ने निकाला नहीं होता ना, तो इस समय फांसी लगाने की नौबत ला देते, क्योंकि अलका तो किसी ना किसी को मार के छोड़ेगी। अरे सब देख रहे, क्या धीरे बोल, पागल बना दिया, डरा डरा के, डरा डरा के। अभी अलका गई बीच में। जी कर्मा इज बैक, मैं लिखित में दे रहा हूँ आपको, आप नीतू को याद करोगे, अभी नहीं एक डेढ़ दो महीने बाद याद करोगे। आपके साथ नीतू दी, प्लीज बस एक बार बताओ, मनीषा आपकी बेटी है या बहन होती तो क्या आप उसकी सोतन का साथ देती? अरे भाई क्यों नहीं समझ रहे हो आप, समझाया है, समझो, आप समझ नहीं रहे, समझाया है। ये नेहा की शादी तक पहुंचाने वाला मैटर कि भाई वो अपनी जिंदगी में सेट हो जाए, इधर की जिंदगी से निकल जाए। इनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, निकल जाए, नहीं पता था। अगर और उनकी मम्मी को पता था, भाई को पता था, सबको पता था, एक एक क्रिएटर ने बोला, एक एक क्रिएटर ने बोला, क्यों गिफ्ट ले रहा, क्रिएटर दूर हुए, गोल्ड के गिफ्ट ले रहा, सिल्वर के गिफ्ट ले रहा है। जीजू आ गए, जीजू आ गए गेट पे, आप खड़े हुए, भैया आ गए हैं, एक शादीशुदा मर्द को आप विधवा, एक विडो औरत के साथ, नेहा तिवारी के साथ आप ऊपर कमरे में छोड़ रहा, अरे भैया हाँ आप बैठो हम आ रहे हैं, ये जब आपको शर्म नहीं आई, जब नहीं आई शर्म, जब आपको कुछ भी नहीं पता था, सबको किसी को कुछ नहीं पता भाई, सबकी आंखों पे पट्टी, बस नीतू अलका जी के हिसाब से तो सिर्फ नीतू यार, सिर्फ नीतू, सिर्फ नीतू। नीतू की तो बहुत बात मानते हैं, वो बोलेंगे उठो नहीं तो जाओ, पता नहीं आपको सगाई की सारी क्लिप तो नीतू ने डाली है। अरे नीतू ने तो एक यहाँ से घर से निकलने वाली वीडियो अपने पति के साथ डाल दी थी, वो भी डिलीट करवा दी थी। कौन बोल रहा है कि एंगेजमेंट नशे की हालत में, कौन मुझसे पूछो ना, मैं था वहाँ, ये थी। अब मैं क्या बोलूं, मैं मुंह खोलने पे आऊंगा ना। ये अलका ने बताया ना, ये अलका किसी की मौत करवाएगी, अलका को बीच में लाके ये बात मरवाएगी औरत किसी को। आपके और हमारे बीच की बात थी नेहा तिवारी, चीनू अभी भी बाज नहीं आ रही है, दो मिनट, आपके और हमारे बीच की बात थी, अपन बैठ के सॉर्ट आउट कर सकते थे। आपने अलका को लाके और नीतू का नाम लेके बहुत बड़ी गलती करी है, और ये जो अभी हो रहा है ना, ये समझ लो कि सिर्फ नीतू के वजह से रुका हुआ था, ये अभी शुरुआत है। अभी नीतू ने तुम्हारे घर की इज्जत नहीं उछाली, नीतू ने सिर्फ ढाकी है। भाई लिटरली एक बात बताऊं, आई एम नॉट अ ब्लॉगर, आई एम नॉट अ इन्फ्लुएंसर, मुझे ब्लॉगिंग नहीं आती, मुझे कोई, मैं क्रिएटर नहीं हूँ, मैं पता है फेस टू फेस ब्लॉगिंग करता नहीं। अब डर नहीं है, अब डर नहीं है, क्योंकि मैं जिनके लिए, अपनों से लड़ रही थी, मैं अपनों से लड़ लड़ के मेरे पति, मेरी देवरानी, मेरा घर सब चुप रहो ना यार। मैं नेहा मेरी बहन है, नेहा को मैं बहन मानता हूँ, आज भी मानता हूँ, वो कुछ भी हो, कुछ भी हो, मैं नेहा को बहन मानता हूँ, क्योंकि नेहा ने मुझे राखी बांधी, नेहा मेरी बहन है, ताशी मेरी भांजी है। लेकिन चीनू भाई जो आपने इसका नाम लेके गलती करी है ना यार, आप खुद सोचो, आज मेरी जगह आप बोल रहे हो ना कि निक्की भैया इतना इतना सब कुछ बोल रहे, इतना सब कुछ खुल के, मतलब इतना आज तक निक्की भैया कैसा रूप नहीं। आप मेरी जगह अगर आप होते, सुबह को अगर कोई ऐसे एक्सप्लोज करता है और ऐसी बातें हैं, जैसे जहाँ आज मेरी वाइफ खड़ी है, वहाँ सुबह खड़ी होती है, आप क्या करते हैं, आपका रिएक्शन क्या होता, आप तो माँ बहने ही कर देते हैं। नहीं फिर भी आपको, आप बोल रहा हूँ, आप मुझसे बहुत छोटे हैं, आपने तो मुझे तू करके बोला था ना, और आपने, अब मैं बता रही हूँ, सुबह ही ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये जो रिकॉर्डिंग, उस रिकॉर्डिंग के पहले की, मतलब ये रात की रिकॉर्डिंग है, उसके सुबह की बात बताती हूँ। जब चीनू का कॉल मेरे पास आता है तो कोई दीदी वीदी नहीं, और ये अलका ने करा था, अलका जी का काम था ये, तो मुझे तो नेहा ने बता दिया था कि तुम्हारे खिलाफ अलका बहुत भड़ रही है, चीनू को अलका भड़का रही है, चीनू को तुम्हारे खिलाफ,
मतलब ये अलका जी का पूरा ट्रैप था कि किसी ना किसी के सिर पे तो हांडी मारना है, क्योंकि अब अलका जी के सिर पे आ गई है ना, अलका जी के सिर पे आ गई है। मुझे तो कल दो दिन से बेचारी के लिए लग रहा था मैं यार, लेकिन आपने तो बहुत शानदार ट्रैप किया है, पूरी रिकॉर्डिंग डालो। वो जो 2 बजे रात को मैंने तुम्हारी लाइव देखने के बाद, जब जिसमें तुम बोल रही थी ये औरत को घुसने नहीं देना चाहिए, वो औरत को घुसने नहीं देना, वो वीडियो देखने के बाद जब मैंने आपको वो रिकॉर्डिंग भी डालो, जब नीतू मैना ने क्या बोला था रोते रोते, वो भी डालो, पूरी बात डालो ना। यार क्या औरत, यार शर्म आना चाहिए, औरत के नाम पे आप कलंक हो। एक और जो मैंने सुना था आज तक, एक औरत ही, ये अलका सच में, ये अलका जो है ना, ये किसी ना किसी को मरवाएगी, ये घुसी है ना, इसने सबकी धज्जियां। ये चीनू को क्या लग रहा है, ये तेरे लिए लड़ रही है, ये तेरे लिए खड़ी है। अरे जा भाई तू, ये तेरे लिए खड़ी थी, अगर जिस जगह पे तुम्हारी इज्जत इसी ने उछलाई है, इस औरत ने उछलाई है, जो बड़ी आज बन रही है ना, नीतू मैना की धज्जियां उड़ाऊंगी। अरे अलका तू क्या उड़ाएगी धज्जियां, नीतू मैना की धज्जियां उड़ाएगी। बस चुप है ना, अभी भी बहुत चुप है अलका, बहुत चुप है, ठीक है ना। तो अब चुप्पी को अब मत पर वो करना। अलका जी आप एक बार लाइव बचाओ मेरे साथ, सारी गलत फहमियां दूर कर दूंगा आपकी, एक बार लाइव बचाओ, एक बार बस प्लीज, हाथ जोड़ के नहीं बोलने, एक बार लाइव हो जाओ। मैं ये तो नहीं बोलूंगा मेरे से संस्कार नहीं है, लेकिन भाई ये है कि आपकी बातों का जवाब मिल जाएगा। अब मुझे रिकॉर्डिंग के बारे में तो बता दें, तो जो बात हुई थी मेन रिकॉर्डिंग की, जो ट्रैपिंग थी वो पूरी बात तो बता दूं मैं। नेहा का फोन, मतलब सुबह चीनू तिवारी जी मुझे बोलते हैं, अभय तिवारी जी मुझे बोलते हैं कि सुन नीतू मैना, अब तेरा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तू दिखना नहीं चाहिए। फिर भी मैं, अरे सुन तो भाई मेरी बात सुन, समझाने की कोशिश करो, हुआ क्या है मुझे बता, हुआ क्या है मुझे बता, ठीक है हुआ क्या है ये करके। तो बोले तूने तो जो करा है ना, तुझे उसका बताऊंगा, ठीक है। फिर मैंने इनको फोन लगाया, नेहा जी को फोन लगाया, तो बोले अरे वो तुम्हारे खिलाफ अलका भड़का रही है उसको। मैं चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर रात में फोन आता है, अरे दीदी वो है ना सचिन ने और हमने ना गलती से अलका को अपने बारे में बता दिया। तो मिले यार अपने बारे में बता दिया, अभी तक तो तुम लोग मुझसे बोलते रहे अपन तीन के बीच की बात है, अब तुमने चौथी अलका को कर दिया। और ये बीच की बात का मतलब मैं बताऊं, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग के चक्कर में फंसी हुई थी है ना, क्योंकि इनके यहाँ से कुछ भी लीक होता था तो सबसे पहला फ़ोन मेरे पास आता था। तो भाई जब तुम चौथे इंसान को शामिल कर रहे हो, एक रिकॉर्डिंग गई, नीतू मैना से पूछा गया फ़ोन लगा के, क्यों हमारी वो बात कर रहे हैं अपने क्या कॉल रिकॉर्ड वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, तो वो रिकॉर्डिंग किसने भेजी, बोला भाई कौन सी, बोले अपन वो मनीषा से बात कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग, बोला तू मेरा फ़ोन उठा ले तू देख ले, अरे वो तो हम सब पता लगा लेंगे, बोला हाँ ठीक है पता लगा लेना, हमारी फलानी बात उस तक कैसे पहुंची, हमारी ढिकानी बात उस तक कैसे पहुंची, ढिम की बात उस तक, में सफाई दे दे के थक गई, मैंने नहीं बताया, मैंने नहीं बताया, मैंने नहीं बताया, फिर भी बाद में चलो हाँ ठीक है यार दीदी वो कर लेंगे पता, अपन सब पता लग जाएगा, ठीक है। मतलब हाँ ठीक है, अब तुमने अलका जी को शामिल कर लिया, तो अलका जी तो जीता जागता एक रेडियो है अलका जी को, तो भाई भाई जब तुमने इतनी बड़ी बात अलका जी को बता दी, तो फिर अब तुम्हारे घर की कोई बात लीक होती तो नीतू मैना पे तो नहीं आना चाहिए था ना नाम, तो अलका जी से सिर्फ उसी मैटर में बात चल रही थी जो अलका जी बोल रही ना, और अलका जी आगे की भी बातें सुना दो, जिसमें आपने मुझसे पूछा था कि आपने इनको रोका नहीं, तो फिर नीतू जी ने क्या बोला था आप वो भी बता देना इसमें। और रात को आपकी 2 बजे लाइव देखने के बाद उसने, नीतू जी ने आपको रात को 2:30 बजे कॉल किया था, गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था अलका जी पे, जी क्या अलका पे, तो अलका वो वाली रिकॉर्डिंग भी आप लगा देना, ठीक है, क्योंकि अब बस हुआ भाई। और इतना बोलने के बाद भी एक चीज और बोल रही हूं, बस अलका मत मरवा उन लोगों को, मत मरवा, समझा रही हूं मत मरवा उन लोगों को। क्या नेहा प्रेग्नेंट है, अरे ये अलका ने कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर दिया वे, क्या यार अलका, क्या अलका वाह कहाँ लाके खड़ा कर दिया, शाबाश अलका जी। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ ये चीज आपको दोबारा लौट के मिलेगी, आई प्रॉमिस।
क्योंकि ऊपर वाले की लाठी क्या जब पड़ती है ना तो उसमें आवाज नहीं आती है, चुपचाप से पड़ती है। सबको पता है भाई, सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है, ये जानता वो जानती, वो जानता वो जानती, सबको सब मालूम है ना। इस उसके जरिए मत करो, एक एक क्रिएटर ने भी ऐसी चीज समझाई थी सब। जब हिम्मत वाले इतने बड़े बड़े क्रिएटरों की नहीं समझी, उनके ऊपर ऐसे ऐसे खड़े होगा, तो ये टुच्ची सी 300-400 के वाली नीतू में ना, जो हर चीज से डर जाती है, उसको जरा सा धमकाओ, उसको जोर से बोलो, उससे तो उसको डर लगता है। आप लोग तो उस नीतू मैना की बात सुनोगे, उस नीतू मैना की बात सुनोगे। आप लोग तो एक बात बताओ ना, एक चीज बताओ ना, आज कोई क्रिएटर क्यों नहीं है उसके साथ या उसके भाई के साथ, क्यों नहीं है? कितने सारे क्रिएटर की पार्टियों में गए हम, क्यों नहीं है? क्यों खड़ा नहीं है? क्योंकि सबको पता है कौन सा अच्छे, कौन सही है, कौन गलत। कॉल वाली बात, हाँ वो आपने रिकॉर्डिंग सुनी तो है, बाद में अलका आई तो है, कॉलिंग करके लगा तो रही है, बाकी आगे वाली कॉलिंग उसने अपनी जो जिसमें उसने मुझसे पूछा था, क्या बात हुई पूरी बतला दो, आप ही बता दो ना। नहीं रिकॉर्डिंग उसने लगाई तो है पूरी, वो कब लगाएगी दूसरी और पूरी बतला दो। हाँ तो उसमें अलका जी ने पूछा है कि यार इतना कुछ हो गया आपने इनको रोका नहीं, तो मिला भाई बहुत कोशिश करी लेकिन सुनने को तो तैयार हो कोई, कोई समझे तो सुने तो। मनीषा के बारे में आप क्या बोलती हो? सॉरी बहुत सच में भी उसके साथ गलत ही हुआ, सॉरी मनीषा। हाँ वो मेरी जो रिकॉर्डिंग है उसमें मैं नेहा को गंदी गंदी गालियाँ दे रही हूँ और बहुत कुछ गंदा बोल रही हूँ, उसका भाई था साथ में शायद, उसके लिए भी मैंने उसमें बहुत कुछ गंदा बोला था, और सचिन और नेहा के बारे में, दोनों के बारे में मैंने उस चीज़ को बोला था, जब उस एक रिकॉर्डिंग के चक्कर में मुझे चीरने फाड़ने की बातें हो गई थी, और मेरे को तो अब लग रहा है जब मुझे डराया गया था तो वो भी शायद है ना पूरी प्लानिंग के साथ ही डराया गया था कि भाई मैं डराऊंगा तुम पुचकारना, मैं डराऊंगा तुम पुचकारना, अब समझ में आया ये सब। और ये था मेरे लिए बहुत बड़ा प्लान, मैं बतला रहा हूं ना, बहुत बड़ा, ये बता चुका था मुझे सचिन भाई कि तेरे साथ तो ऐसा करने वाले हुई थी। बात किसके बारे में थी? नेहा किन के बारे में? इसने बोली सचिन आने का क्या मतलब, सचिन आए हम लोग गए वहां जाके इतने आराम से नेहा ने पानी पिला, इतने आराम से नहीं, दीदी कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी दीदी, छोटी सी बात है, माफ कर दिया, बहुत बड़ा दिल है यार इसका, इनका मैं माफी मांगता हूँ, मैंने माफी मांगी यहाँ से, माफ कर दिया। अब वो चीज हम भूल चुके थे, फिर नेहा बोल रही दीदी, इसने बोला चीनू ने मेरी धज्जियाँ उड़ा दी यार, एक ब्लॉक में नाम लेकर रिएक्शन चैनल वाला इतनी इतनी धज्जियाँ उड़ा रहा मेरी पूरी फैमिली को कि हम लोग जॉइंट फैमिली से, आपका नहीं पता तिवारी फैमिली, आपका नहीं पता लेकिन हमारा पूरा समाज है, हमारी वो रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है ना, मुझे बोलने दो ना, वो लोग पूछ रहे हो गाली वाली रिकॉर्डिंग, मैं बता रहा हूँ ना, सब बता रहा हूँ, खुल के बता रहा हूँ, समाज है, रिश्तेदार है, इंदौर, देवास, उज्जैन, महू, नागपुर, पूना, मुंबई, नासिक, सब जगह से हम लोग सबसे जुड़े हुए हैं। हमारे इधर कोई फंक्शन होता है ना गाइस, मैं बता रहा हूँ आपको कि हमें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, इतने बड़े परिवार से हूँ मैं। हमारी अगर फैमिली को देखा जाए ना, हमारी फैमिली फंक्शन होता है ना तो 70-80 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सिर्फ फैमिली, बड़े पापा, ताऊ जी, बाऊ जी, ये वो सब, चाचा, बाबा, उनके बच्चे वगैरह, तेज बोलो थोड़ा सा, सुनाई नहीं दे रहा है ना, तो हमारी फैमिली, हमें फर्क पड़ता है। आपने एक चीज बोली और उसके बाद आप क्या बोल रहे हो चीनू भाई, अरे सॉरी मैन टू मैन बात कर रहा हूँ, सॉरी आज मेरे मुंह से नाम निकल गया, अब नहीं निकलेगा, तो आपने गलती तो वहीं कर दी ना,
नेहा का फोन आया मेरे पास भैया, इतना करने के बाद लाइव में आने के बाद तू मुझे बोलने दो, तू नेहा का फोन आया मेरे पास भैया, चीनू को लड़की हुई है, मैंने की बहुत बधाई हो बहन और लक्ष्मी जी आ गई, मैंने सुबह के लिए क्या किया मैं नहीं बोलूँगा, ये सुबह को पता है और चीनू को पता है और नेहा को पता है, मैं इसको अपनी बच्ची मानता था, जैसे मेरी मिल्की है ना भाई की बच्ची, ऐसे मेरे लिए सुबह है और मेरे लिए ताशी है, दोनों मेरी बच्ची और नेहा भी है, मैंने कभी तीनों में फ़र्क नहीं समझा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ नीतू की नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने लोगों के लिए इतना करा, भाई तूने एक नाम ले दिया, इसकी धज्जियाँ उड़ गई यार, धज्जियाँ उड़ गई, और तू क्या बोल रहा है भाई से, मेरा भाई, मेरे तीन भाई हैं, तीनों हाइपर हैं, मैं जितना सीधा हूँ ना मेरे विपरीत हैं तीनों भाई, और हमारी फैमिली में सब व्लॉग व्लॉग का नहीं चलता, तीनों भाई हाइपर हैं, इसको ब्लॉगिंग के लिए मना करा, इसको मैंने सपोर्ट करा, ये ब्लॉगिंग करती थी, ये कभी कॉन्ट्रोवर्सी में आज तक का रिकॉर्ड देख लो, जब से ये जुड़ी है यूट्यूब पे आई है, इंस्टा पे आई है या टिकटॉक पे या फेसबुक पे, आज तक किसी कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं फंसी है, यहाँ तक कि सरिता दीदी का भी हमने, सरिता दीदी सही थी उस समय, नहीं दिया, मतलब बेटा अपन को नहीं बनना कॉन्ट्रोवर्सी, अपन सबके साथ है, सबके साथ है, सबके साथ, मन बहुत था, बहुत इच्छा थी, मेरी बात करो ना, मैं नेहा आती थी ना, नेहा के जब नेहा मिली मैं नेहा के पैर पड़ता था, मैं जो लोग बोल रहे हैं ना आज, मैं नेहा मैं तेरे सपोर्ट में हूँ इस चीज में, जो आज लोग बोल रहे हैं ना जगत दीदी आशीर्वाद लेते थे, मैं लेता था आशीर्वाद, किस चीज का जवाब दीजिए, मैं लेता था आशीर्वाद नेहा से, क्योंकि मैंने ऑफलाइन उससे जो रिश्ता रखा था ना चीनू से, मेरे को क्या तुम लालच बोल रहे हो, इसका ब्लॉग जो इसने रोते हुए बनाया ना वो 1.5 से 2 मिलियन पहुंच गया, इसने मोनेटाइज बंद कर दिया, अगर मोनेटाइज इसको पैसों का लालच होता मोनेटाइज बंद नहीं करती, आज जो पैसा कमा रहा है, सबसे बड़ी बात तो मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी यार, नीतू मैना की अगर इतनी वैल्यू होती ना तो नीतू मैना का भी ब्लॉग होता सगाई का, हम लोग आज कल के बात कर रहे हैं ना तो हम लोग पैसों के लिए नहीं यार, कोई बोल देगा मालिक की ऊपर वाले की ऐसी दुआ है, आज पैसा नहीं कमाया, फेम इतना कमाया है मेरे को आज भी वो याद है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हम 4 यूट्यूबर जा रहे थे, इसके इतने फैन फॉलोइंग है, नीतू दीदी आप नीतू दीदी, तो लोग बोलते हैं क्या नीतू दीदी आप इतनी फेमस, हमें तो कोई पहचानता नहीं है, तो इसने फेम कमाया, पैसा नहीं कमाया, पैसे की जरूरत नहीं, गरीब है ठीक है, आज खुश है, गरीब है ठीक है खुश है, इज्जत है, लेकिन इस तरीके से अलका जी आप लोग ऐसे इज्जत मत उतारो, अलका जी चीनू भाई आज हम लोग खुल के क्यों आए, इतना गुस्सा क्यों फूट रहा, आप लोग सोच रहे होगा कि बिल्कुल एकदम, ये तो कुछ भी नहीं फूटा है, क्यों हाइपर हो रहा है पता है क्यों, इज्जत है, इज्जत पे अगर जरा सा कोई खुल के आएंगे, अभी तो खुल के आए नहीं है, खुल के आएंगे, इज्जत है, इसीलिए नीतू की ये हालत है, मैंने अभी भी इसको लाइव दो दिन चुप रही थी लेकिन आज चुप नहीं थी, क्योंकि दो दिन तक भी ये विश्वास था कि शायद सब ठीक हो जाएगा, और बोला है सब ठीक कर देंगे लाइव में आके, तुम्हारे लिए बोल देंगे सब ठीक कर देंगे, नेहा दीदी को मैंने फोन लगा के ये बोला, नेहा ने बोला था मुझसे कि भैया, जोर से बोलो सुनाई नहीं दे रहा हूं, नेहा ने मुझसे बोला था भैया सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं इतना पुराना रिश्ता खत्म करना नहीं चाहती, मैंने नहीं, अगर तुम चाहती है ना सब कुछ ठीक हो जाए, तीनों से बोलना 10 सेकंड का ब्लॉग बनाए, सिर्फ बोले नीतू का नाम क्यों लिया, गलती हो गई मुझसे, सिर्फ इतनी सी बात थी, मैं तो जब भी खड़ी थी उसके बाद अपनी इसको, धज्जियां उड़वाने के बाद भी खड़ी थी मैं उनके साथ, दीदी आईवाना मेरे विरुद्ध मत बोलना, और चीनू के बारे में तो कुछ बोलना नहीं, क्या यार कोने रिश्तेदार, एक बात बताओ आपके मामा आपके नाना सबको जानता हूँ, आपकी मौसी आपकी बुआ, तुम्हारी आवाज नहीं जा रही लोगों तक, जोर से बोलने का बोल रहे हैं सब लोग, अब आई आपके मामा नाना आपकी बुआ मौसी जो भी हो चाचा बाबा जब कहाँ थे हैं, कहाँ थे जब कोई नहीं आया, जब नीतू मैना खड़ी थी नेहा तिवारी के साथ पूरी फैमिली के साथ, इसके साथ मैं खड़ा हूँ, मेरा पूरे परिवार खड़ा है, मेरा पूरा खानदान खड़ा है, मेरी पूरी समाज खड़ी है, सब खड़े हैं इसके साथ, अब डर नहीं है किसी चीज का भी, हाँ, और अलका चीथड़े बिखेरना है ना मेरे, अब चीथड़े बिखेर के दिखाओ तुम जानते हो क्या पुनीत मेहना नीतू मेहना के बारे में क्या जानते हो,
सिटी में रहते हैं लेकिन एक इज्जत इज्जत के साथ रहते हैं, इज्जत है हमारी। बहुत जल्दी जल्दी मैसेज जा रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ पा रही हूँ, मैसेज बहुत जल्दी ऊपर जा रहा है। इज्जत है, बहुत इज्जत है। और अभी भी फिर भी बोलेंगे, अब इस ब्लॉग को ये लाइव को यहीं है, नहीं अभी तो बहुत बार लाइव आना है, अभी तो कुछ भी नहीं बोला। अलका मत डूबा, मत डूबा, देख ले तू घुसी और तूने क्या कर दिया। नहीं यार क्या धीरे, उसने उसने धीरे जैसा कुछ रखा, सब आएगा सामने। अलका जी अभी मत बर्बाद कर, उल्टे पैर मत बर्बाद कर, अलका समझ जा, उल्टे पैर मत बर्बाद कर। आपने जिसकी बदनामी, आपकी खुद की बदनामी मालिक ना करे यार, बहन बेटियों की इज्जत होती है। आप भी मेरी अलका जी बहन हो, है ना, मैं नहीं चाहता कि तू बहन बेटी की इज्जत उछले। ध्यान रखना, उल्टे पैर नहीं भागे ना आप। आप जिसका सपोर्ट करो आपको पता है सच्चाई, पता है आप सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सी में एक हिस्सा बनने के लिए, लाइट में, लाइम लाइट में आने के लिए, व्यूज के लिए आप ये सब कर रहे हो। क्या आप देखना आगे परिणाम, देखना दूध का दूध पानी का पानी होगा, अभी 0.1% भी नहीं होगा। मैं भगवान की कसम चीनू भाई, नेहा प्रेग्नेंट, चीनू भाई आपके घर कन्या माता ने जन्म लिया है, पता है आज सब कुछ ठीक होता ना, मैं ढोल के साथ आता, मिठाई लेके आता, आपके ससुराल वाले नहीं पहुंचते, उससे पहले नीतू मेहना और पुनीत मेहना ये पहुंचते आपके घर पे हॉस्पिटल में, आपको खुद पता है। लेकिन आपने वो रखा नहीं ना, भाग रहे क्या, नेहा प्रेग्नेंट है, झूठ, इतना गंदा बोल रहे, नेहा प्रेग्नेंट है, प्लीज अपनी भाषाओं पे कंट्रोल करो, है ना, गलत है, झूठी बात, गलत है वो, कुछ भी हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, सुनो लड़ाई है सब कुछ, मेरी बहन है, मत कर रहे अलका जी, मत मार के छोड़ेगी क्या उसको भी, नेहा मेरी बहन है, बहन थी, बहन रहेगी, और नेहा की इसमें अलका जी लेंदे कोई गलती, नेहा जी लेंदे, अलका जी लेंदे, उसको कहाँ पे लेके आ गई, प्रेग्नेंट है, नेहा को कोई गलत नहीं बोलेगा, कोई नहीं है, कुछ ऐसा झूठ है, सारा अफवाह फैला दी उसके बारे में। और नहीं मैं तो सिर्फ क्या होता है ना, मैं क्या बोल रही हूँ, देखो ये अलका, अभी फिर बोल रही हूँ मैं, अलका कुछ ना कुछ बड़ा करवाएगी, ये भोग, ये भोग लगाने वाली औरत है, किसी ना किसी का भोग खा के शांत होगी, देखना। आप कितनी बदनामी किसने करी है, आप क्या सोच रहे हो कि लोगों लोग कर रहे, अलका कर रही है, आप नहीं समझ रहे हो। चलो भाई, और सुनो सुनो गाइस, रिकॉर्डिंग का ट्रैपिंग ये था, नहीं नहीं दो मिनट रुको, एक चीज आप समझ लेना, हाँ, नेहा के बारे में कुछ मत बोलना, गलत मत बोलना, कोई प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट नहीं है, मेरी बहन, इतना गंदा, मेरी बहन थी और बहन रहेगी, मुझे तो कभी नहीं बताया उसने ऐसा, कमरों में मिलवा दिया, ये मिलवा दिया, अरे हट रे, फेक बात है, फेक बात। क्या होता है कि एक इंसान एक लड़का एक लड़की से बात करते ना, तो वो आपको पता है जमाना कैसा है, इतने की बात को इतनी बड़ी ले जाता है, ये सब फेक बात है। सब हम लोग लाइव आए इसलिए आएगा, चीनू भाई गलत, दोनों है, नेहा भी गलत है और सचिन भी गलत है, दोनों गलत है। जहां तक आप कह रहे हो ना, ये प्रेग्नेंट और ये नहीं, प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी का नहीं, सब ये झूठी बातें, कुछ नहीं है ऐसा, कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे टच में थी, अगर वो मुझे सब चीज बताती थी तो वो ये भी मुझे जरूर बताती, लेकिन मेरे तक ये बात ना आई। क्या हुआ, तो बस इतनी सी बात, ये अलका जी के लिए ही लाइव आई थी, जो अलका जी चिथड़े बिखेरने की बात कर रही थी ना, तो अलका जी चिथड़े ना बिखेरो, है ना, क्योंकि तुम्हारे आने से ही तो ये सब दमदमी माई, समझी, दमदमी माई, तो अब दमदमी माई कंट्रोल में आई, समझी ना, इस वीडियो को सुन करके आप जरूर बताइए कि सच्चाई क्या है इसमें, और क्या है, आप जनता जनार्दन सब लोग किसके साथ हैं, और इसका फाइनल कीजिए। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कीजिए, बढ़ाइए, और एक सच्चे लोग का साथ दीजिए।